डी स्टूडेंट एज वी अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज कि जब हम डेटा कलेक्ट कर लिया अब उस डेटे की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं क्या उस डेटे में सारे रेंडम नंबर हैं अगर रेंडम नंबर हैं तो उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम मीन चेंज नहीं होगा उसमें वेरियंस चेंज नहीं होगा अगर उसमें मीन और वेरियंस चेंज होता जा रहा है इट मीन के सीरीज में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करना होगा तब हम उसको एनालिसिस में यूज़ करेंगे अगर सीरीज uh, स्टेशनरी है फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी अगर सीरीज़ नॉन स्टेशनरी है नाइन सीरीज uh, को लेंगे जिस वक्त हम तो उसमें हमें ये चीज़ की केयर करनी होगी कि कौन सी सीरीज़ स्टेशनरी है कौन सी सीरीज़ नॉन स्टेशनरी है सीरीज को स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी बनाने के लिए जो पहली चीज़ हम चेक करेंगे क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका मीन चेंज हो रहा है और अगर एक सीरीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो यकीन उसका मीन भी इंक्रीज होता जाएगा तो वो सीरीज़ स्टेशनरी नहीं रहेगी सेकेंडली उसका वेरियंस चेक करना होगा क्या वेरियंस विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो टाइम गुजरता जा रहा है वेरियंस कॉन्सटेंट जा रहा है या वेरियंस भी इंक्रीज होता जा रहा है अगर वेरियंस भी इंक्रीज होता जा रहा है तो उस सीरीज़ को हम कहेंगे कि वो नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज़ है और इकोनोमेटिक्स uh, में जिस वक्त हम स्टेशनरी uh, सीरीज़ को यूज़ करते हैं अगर नॉन स्टेशनरी सीरीज होगी तो उसमें अगर आप रिग्रेस करते हैं तो वो आपकी स्पूरियस रिग्रेशन होगी वो मीनिंगलेस रिग्रेशन होगी इसलिए सबसे पहले हमने इन्श्योर करना है वेदर योर टाइम सीरीज इज स्टेशनरी आर नॉट अगर वो स्टेशनरी नहीं है तो इसका मतलब है वो जो चेंज हो रही है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जा रही है उसमें कोई रियल फैक्टर जो हैं वो उनका रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा इसलिए सबसे पहले ये देखना होगा आपकी सीरीज चेंज हो रही है तो किस वजह से चेंज हो रही है तो इसलिए इन चीजों को देखना होगा सेकेंडली स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी सीरीज के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ग्राफ उससे आपको क्लियर होगा कि कौन सी सीरीज स्टेशनरी होगी और कौन सी सीरीज नॉन स्टेशनरी होगी इस ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो आपके पास सीरीज हैं एक ओरिजिनल सीरीज है विद लीनियर ट्रेंड इसमें लीनियर ट्रेंड है और इस सीरीज में आप लोग देख रहे हैं रेड कलर की जो सीरीज है इसमें जो मीन है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है देर इज प्रॉपर ट्रेंड इसको हम वो रेंडम नंबर नहीं कह सकते ये ट्रेंड है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहे है। रहा है इसमें मीन भी इंक्रीज होता रहा और वेरियंस भी चेंज हो रहा है अगर इस सीरीज का आप डिफरेंस ले, ले लेते हैं और इसको डी ट्रेंड कर देते हैं इसका ट्रेंड रिमूव कर देते हैं तो ये आपको ब्लू कलर की एक नई लाइन मिल जाएगी इस लाइन में आप लोग देख रहे हैं कि इस सीरीज का जो मीन है विद द पैसेज ऑफ टाइम कांस्टेंट जा रहा है इसमें जो वेरिएंस है जो वेरिएशन आ रही है वो भी कांस्टेंट है और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें ट्रेंड नहीं है जब ट्रेंड नहीं है तो इसका मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिटरमिन नहीं हो रही टाइम इसको चेंज नहीं कर रहा ठीक है तो इसके हम रियल uh, फैक्टर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसलिए ये वाली जो सीरीज है इसको हम कह सकते हैं दिस इज नॉन स्टेशनरी एंड इस सीरीज को हम कह सकते हैं दिस इज स्टेशनरी और अगर आपके पास कोई सीरीज पॉजिटिव ट्रेंड वाली हो इंक्रीज हो रही हो लाइक इफ यू हैव लाइक द जी डी पी ऑफ पाकिस्तान इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम तो इस सीरीज में एक प्रॉपर ट्रेंड है और इसका मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है इस सीरीज को हम स्टेशनरी नहीं कह सकते और एनालिसिस में यूज भी नहीं कर सकते इसका सबसे पहले हमें ट्रेंड रिमूव करना होगा और जब इसका ट्रेंड रिमूव करेंगे और इसका डिफरेंस लेंगे तो इस सीरीज की कुछ इस टाइप की शेप बांधेगी जब इस टाइप की शेप बनेगी तो इसके आइडिया हो जाएगा कि इसका मेन कांस्टेंट है और इसका वेरिएंस भी कांस्टेंट है इसलिए अगर किसी सीरीज में ट्रेंड हो अगर किसी सीरीज में टाइम की वजह से चेंज आ रही हो तो उसको हमने डी ट्रेंड करके नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी बनाना है और स्टेशनरी बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं उन प्रोसीजर को हम नेक्स्ट uh, मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं